जितने भी कॉर्पोरेटर थे वो कहते कि ना कॉर्पोरेशन हमारी सुनती है और ना एमएमआरडी है। तो ऐसे कॉर्पोरेटर को तो आने वाले वक्त में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्या मतलब है उनको चुनाव लड़ के, ऐसी काउंसिल में जाके मतलब क्या है उनको, तो आगे थाना उल्लासनगर में लड़ना चाहिए। जहाँ के पहले अक्टूबर के हफ्ते में हम लोग इस रोड का उद्घाटन इंशाल्लाह ताला करेंगे, उसकी ड्रेनेज लाइन का काम कम्प्लीट ही नहीं हुआ है तो उस पर ओपनिंग का क्या मतलब है। एक कंपनी पिछले 2.5 साल से गैबी नगर शांति नगर पे ड्रेनेज लाइन का काम कर रही है और ड्रेनेज लाइन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बिना ड्रेनेज लाइन के आप आरसीसी रोड कैसे बना सकते हो, मेरा ये सवाल है। रईस शेख को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके प्रकल्प को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी सोच को फायदा पहुंचाने के लिए, समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में ये काम करने जा रहे हैं, इसका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निषेध करती है। हमने फिर स्टेम को लिखा कि आप ये पाइपलाइन बदलने का काम कीजिए, हम रोड बनाएंगे, आप पाइपलाइन बदलिए। ठीक है, आपने बोला पाइपलाइन का मैटर था तो पाइपलाइन के लिए आप जो बोल रहे हो कि आपने इतनी कोशिश किया कि पाइपलाइन के लिए आपने 17 करोड़ रुपया लेके आया, लेकिन गटर के लिए क्यों पैसे नहीं ला पा रहे हो। देखिए, गटर बनाना किसकी जवाबदारी है, सभी चीज एमएमआरडी नहीं कर सकती, रोड बनाना एमएमआरडी की जवाबदारी भी नहीं है लेकिन कर रही है। ये सवाल आपको कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेटर से पूछना चाहिए, वहाँ के गटर बनाना किसकी जवाबदारी है। कि वो कह रहे हैं कि एमएमआरडी जो है खाली रोड बनाएगी गटर नहीं बनाएगी, तो गटर क्यों नहीं बनाएगी भाई, जब अशोक नगर में पद्मा नगर रोड पर, अजय नगर, गोकुल नगर, एसटी रोड, ये सारे रोड पे एमएमआरडी ने काम किया और गटर भी बनाया है। तो गैबी नगर रोड पर या गैबी नगर से लिंक जितने रोड है जहां पे काम हो गया है वहां पर गटर नहीं बनाया गया, आप बोलते हो गटर काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। और कई बातें की गई, 52 रोड की मान्यता हुई, ये हुआ वो हुआ, जब मैं आमदार बना तब से लेके हम शांति नगर के इस रोड के लिए फॉलोअप कर रहे थे। ये मेरा नया प्रकल्प है क्या, ये क्या आपने मंजूरी दिलाया है क्या, ये तो ऑलरेडी पहले से पास है प्रोजेक्ट। तो 52 रोड जो आरसीसी बनने वाले हैं उसमें से एक रोड गैबी नगर है जो होने ही वाला है, लेकिन क्योंकि सियासी आपको फायदा लेना है चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कोई भी कल्पना नहीं है। भिवंडी शहर में कोई नई आप राजनीति कर रहे हैं क्या, भिवंडी शहर के शांति नगर रोड के लिए ऐतिहासिक निधि दी और 35 करोड़ 52 लाख की निधि उन्होंने पारित की। ड्रेनेज का काम तो इम्पोर्टेंट है ना, आप बोल रहे हो कि पैसे लैप्स हो जाएंगे, आरसीसी का काम हो जाएगा तो बाद में हम पानी की लाइन नहीं डाल सकते, इस बात को आपने गंभीरता से लिया है, लेकिन जब ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ओपनिंग कैसे कर सकते हो। ईगल कंपनी पे कभी भी महानगर पालिका जो इस टेंडर की जवाबदार है कभी कार्रवाई नहीं करती। डॉक्टर योगेश महसे जब भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त थे उन्होंने उसको ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन बाद में जब उनका ट्रांसफर हुआ तो दूसरे कमिश्नर और भिवंडी महानगर पालिका में बैठे भ्रष्ट नेतागण वो अधिकारी ने मिलकर इस कंपनी को दोबारा वापस कार्य पे लगा दिया। शराब भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शांति नगर से जकात नाके वाली रोड की रईस शेख साहब जो है ओपनिंग करने वाले। देखिए, ये जो ओपनिंग है ये मेरे ख्याल से एक मजाका खेस ओपनिंग होगी। उसकी वजह यह है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव करीब है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट है। जब गैबी नगर शांति नगर रोड जो है वो उसकी ड्रेनेज लाइन का काम कम्प्लीट ही नहीं हुआ है तो उस पर ओपनिंग का क्या मतलब है। एक कंपनी पिछले 2.5 साल से गैबी नगर शांति नगर पर ड्रेनेज लाइन का काम कर रही है और ड्रेनेज लाइन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बिना ड्रेनेज लाइन के आप आरसीसी रोड कैसे बना सकते हो, मेरा ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन और आदरणीय रईस शेख, साथ ही साथ एमएमआरडीए के जो भी अधिकारी है, समन्वय तौर पर रईस शेख को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके प्रकल्प को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी सोच को फायदा पहुंचाने के लिए, समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में ये काम करने जा रहे हैं, इसका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निषेध करती है। और हम जिस दिन ओपनिंग रहेंगी काली झंडी दिखाएंगे, पहले रोड पे ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट किया जाए, देन आफ्टर
आप उस रोड पर आरसीसी का काम शुरू करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि काम रुकेगा और मजीद परेशानी होगी। शताब भाई, काली झंडी दिखाने का मतलब विकास में बाधा डालना नहीं है? देखिए, गलत काम का तो विरोध करना पड़ेगा। आप अपने चुनावी फायदे के लिए जो है कोई कार्य करने जा रहे हो, जो सरासर दिख के आ रहा है कि चुनावी फायदे के लिए कर रहे हो आप। आज से पहले भी तो आपने घोषणा किया था, पिछले साल भी तो आदरणीय रईस शेख साहब ने घोषणा किया था काम चालू होने वाला है, एस्टिमेट बन गया है, सब कुछ बन गया है, तो क्यों नहीं हुआ काम? ठीक है, आपने बोला पाइपलाइन का मैटर था, तो पाइपलाइन के लिए आप जो बोल रहे हो कि आपने इतनी कोशिश किया कि पाइपलाइन के लिए आपने 17 करोड़ रुपया लेके आया, लेकिन गटर के लिए क्यों पैसे नहीं ला पा रहे हो? आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि MMRDA जो है खाली रोड बनाएगी, गटर नहीं बनाएगी। तो गटर क्यों नहीं बनाएगी भाई? जब अशोक नगर में पद्मा नगर रोड पर, अजय नगर, गोकुल नगर, ST रोड, ये सारे रोड पे MMRDA ने काम किया और गटर भी बनाया है, तो गैबी नगर रोड पर या गैबी नगर से लिंक जितने रोड है जहाँ पे काम हो गया है वहाँ पर गटर नहीं बनाया गया। आप बोलते हो गटर काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? B&D महानगर पालिका के पास बिल्कुल पैसे नहीं है RCC के प्रकल्प के लिए, करके MMRDA से 52 रोड की मंजूरी मिली है। और ये कोई नया प्रकल्प है क्या? ये क्या आपने मंजूरी दिलाया क्या? ये तो ऑलरेडी पहले से पास है प्रोजेक्ट। तो 52 रोड जो RCC बनने वाले हैं उसमें से एक रोड गैबी नगर है जो होने ही वाला है, लेकिन क्योंकि सियासी आपको फायदा लेना है चुनाव लड़ने के लिए, आपके पास कोई भी कल्पना नहीं है। B&D शहर में कोई नई आप राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी पॉलिटिकल पार्टी को B&D शहर की जनता 25 साल से एंटरटेन कर रही है, 4 आमदार दिए, अनगिनत कॉरपोरेटर दिए समाजवादी पार्टी को। आपके पास कोई कल्पना ही नहीं है कि शहर के लिए आपने क्या किया। तो आप इस तरह के बोलते हैं ना, जख्म दे के मरहम लगाना, मतलब शहर के गैबी नगर शांति नगर रोड जहाँ पे शहर की मुस्लिम अक्सरियत आबादी रहती है परेशानी में, पिछले 2 साल 2.5 साल से लगातार कीचड़ में खड्डे को जूझ रही है। चुनाव आया, आपने फुलझड़ियाँ जलाकर लुभाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये शहर की जनता को समझ में आ रहा है। हम सिर्फ याद दिला रहे कि ये चुनावी फुलझड़ी है। जब पानी की पाइपलाइन के लिए मंजूरी नहीं हुई थी इसलिए काम आपने रोक के रखा था, ये बात आपकी मैं मानता हूं, लेकिन ड्रेनेज लाइन का काम नहीं हुआ है तो फिर आप काम कैसे शुरू कर सकते हो? ड्रेनेज का काम तो इंपॉर्टेंट है ना। आप बोल रहे हो कि पैसे लैप्स हो जाएंगे, RCC का काम हो जाएगा तो बाद में हम पानी की लाइन नहीं डाल सकते, इस बात को आपने गंभीरता से लिया है, लेकिन जब ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ओपनिंग कैसे कर सकते हो? कोई भी B&D में ऐसा रोड बताइए जिस पे अधूरे ड्रेनेज लाइन के काम पर आपने काम शुरू कर दिया MMRDA ने, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो कि आपने कोई बड़ी उस खड्डा खोदने वाली कंपनी से उसका कॉन्टैक्ट करा दिया, तो भाई कॉन्टैक्ट आपने इतना लेट क्यों कराया? चुनाव के दौरान ही क्यों कराया? 2019 में आमदार बने आप, 2019 से 2022 में 3 साल में वो कंपनी वहाँ पे काम करी रही है, काम खत्म नहीं हो रहा है। आप उसको ब्लैकलिस्टेड करने की मांग नहीं करते? साथ ही में गैबी नगर शांति नगर पे जितने कॉरपोरेटर हैं कोई भी उसको ब्लैकलिस्टेड काम करने की मांग नहीं करता कि ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए, जबकि डॉक्टर योगेश महसे जब B&D निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त थे उन्होंने उसको ब्लैकलिस्टेड किया था, लेकिन बाद में जब उनका ट्रांसफर हुआ तो दूसरे कमिश्नर और B&D महानगर पालिका में बैठे भ्रष्ट नेतागण वो अधिकारी ने मिलकर इस कंपनी को दोबारा वापस कार्य पे लगा दिया। चला भाई, इस रोड से जितने भी कॉरपोरेटर से वो कहते हैं कि ना कॉरपोरेशन हमारी सुनती और ना MMRDA है, तो क्या लग रहा है कहाँ तक के उनकी इसमें भूमिका रही है? तो ऐसे कॉरपोरेटर को तो आने वाले वक्त में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्या मतलब है उनको चुनाव लड़ के ऐसी काउंसिल में जाके, मतलब क्या है उनको? ताकि थाना उल्लासनगर में लड़ना चाहिए जहाँ पर उनकी सुनवाई हो। B&D में जब उनकी सुनवाई नहीं है तो ऐसे नेताओं को B&D की जनता ने क्यों चुन कर देना? समाजवादी पार्टी ने 3 से 4 बार जकात नगर से शांति नगर रोड की को लेकर जो है अगर 3 से 4 बार उन्होंने वादा कर दिए, तो इस बार हो सकता है कि रोड की लेंथ और विड्थ जो है बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हो। देखिए, रोड चौड़ा करने की जो बात हो रही है ये तो मैं तो इससे आश्चर्यचकित हूँ
कि रोड चौड़ा करने की बात कैसे कर रहे हैं आमदार साहब बार बार। कभी कल्याण रोड पे मेट्रो के नाम पर रोड चौड़ा करने की बात करते हैं, कभी गैबी नगर शांति नगर रोड को जो है क्योंकि RCC बनने जा रहा है तो बोल रहे हैं कि हमने एक टेक्निकल कंपनी अपॉइंट की जो उसकी डिजाइनिंग कर रही थी और रोड चौड़ा करना पड़ेगा तो करेंगे। अरे क्यों करना पड़ेगा भाई, जब डेवलपमेंट प्लान के अनुसार वो रोड 60 फीट बन चुका है 2003 में, तो आप और क्यों चौड़ा करेंगे। आप इतने ही काबिल हो तो उस रोड पे जो टोरेंट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 15-15 फीट पे, उसको क्यों नहीं हटवा पाते आप भाई। जिस दुकानदार ने, जिस मकान मालिक ने अपनी दुकान शहर के विकास के लिए गैबी नगर शांति नगर रोड पे दे चुका है, वो और मजीद क्यों देगा। सड़क चौड़ा करना ही शहर का विकास नहीं होता है, मैं बार बार कह चुका हूं। पर्याय मार्ग होना चाहिए, ट्रैफिक के डायवर्जन पे काम होना चाहिए, उस पर काम कीजिए। आप रिंग रोड की बात कर रहे हो, मैं उसकी सराहना करता हूं, रिंग रोड बनना चाहिए, लेकिन एक रोड जो सड़क शहर के डेवलपमेंट प्लान के अनुसार बन चुका है उसको और मजीद तोड़ने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कोई पर्सनल लालसा उसमें दिखती है किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि जूने रोड है, छोटी छोटी दुकानें हैं, टूट जाएंगी, पीछे किसी बिल्डर को फायदा मिलेगा। तो इसका हम विरोध करने वाले हैं, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपकी ओपनिंग के दिन काले झंडे हम दिखाने वाले हैं। शादाब भाई, क्या आपको, आपके हिसाब से क्या सिर्फ समाजवादी और रईस शेख ही जिम्मेदार है गैबी नगर रोड के लिए और ब्लैक लिस्टेड के कंपनी के लिए, आपने क्या किया। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि गैबी नगर शांति नगर रोड की बर्बादी का, खड्डों का, कीचड़ के अंबार का कारण सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मुकामी नगर सेवक हैं। क्योंकि रईस शेख उस पर बात कर रहे हैं और दिशा भूल कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो खड्डों का जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रशासन है, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका और यहाँ के नगर सेवक, उसमें समाजवादी के नगर सेवक भी है, कांग्रेस के भी है, NCP के भी है, ये सारे नगर सेवक ने उस रोड को बर्बाद किया है। क्योंकि जो कंपनी उस रोड पे ड्रेनेज लाइन का काम कर रही थी, उस कंपनी ने उस रोड को तात्पुरता रिपेयर करके देना था और वो तात्पुरता रिपेयर नहीं की, उसके सब ने पैसे खाए, सारे अधिकारी सारे कॉरपोरेटर ने पैसे खाए हैं, तभी वो खामोश है। किसने ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की आज तक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बार बार मांग किया है, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को पत्र लिखा है, MMRDA आयुक्त को पत्र लिखा है और हमने महानगर पालिका कमिश्नर को बार बार इस बात से आगाह कराया है कि बहुत ही निकृष्ट दर्जे का यह काम ये कंपनी कर रही है तमाम, और इसके नेग्लिजेंस की वजह से ये सिर्फ खराब काम नहीं कर रही है, लापरवाही का दर्जा इतना ज्यादा है कि चौहान कॉलोनी में पिछले इसके प्रोजेक्ट में एक बच्चा मर गया, एक धमाका हुआ जिसमें कुछ लोग मर सकते थे, गैबी नगर रोड पे काम करते वक्त साइड बैरिकेशन प्रॉपर नहीं था, गिर के मर सकते थे, हमने लेटर दिया तो साइड बैरिकेशन हुआ और काम हो रहा था। बट एक कंपनी जो टाइम जो लिमिटेशन जो दिया है उसको क्रॉस कर रही है, खराब काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। उसकी मांग रईस शेख इतना लेट क्यों कर रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं हम कार्रवाई की मांग करेंगे। भाई आपने इतने पत्र व्यवहार दिए उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, या MIM भी पैसे खा के बैठ गई। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार उस पर बात कर रहे, जो पैसे खाता है ना वो खामोश बैठता है, जो पैसे खाता है ना वो खामोश बैठता है, वो खिलाफ बोलता नहीं है। हम जो मौजू लेते हैं उस पर लगातार बात कर रहे हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी के तहत स्मरण पत्र दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हमारा इलेक्टेड मेंबर होता तो हम उसको दोषी मानते, उसके ऊपर कार्रवाई करते, हमारा कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के दायरे में जो भी प्रोसेस होना चाहिए इस तरह के अनधिकृत प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं।